आज का दिन है बहुत महत्वपूर्ण। आज ही के दिन सौंपा जाएगा इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत और आज इंडियन नेवी को मिलेगा एक न्यू फ्लैग। नई होगी रूस और भारत की 160 AU बॉम्बर की कोई भी डील। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं विदेशी अड्डा। आज यानी 2 सितंबर 2022 को ही भारत में नया एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत जो स्वदेशी रूप से मेट किया गया है उसे भारत की नेवी को सौंपा जाएगा और फिर मई 2022 में इसे पूर्ण रूप से सेना में शामिल करके युद्ध के लिए तैयार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि INS विक्रांत को सबसे पहले 1999 में इसे बनाने का प्रस्ताव रखा गया था जो कोची लिमिटेड ने बनाने की जिम्मेदारी ली थी। फिर 2002 में इस प्रोजेक्ट को अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री को ऑन कर दिया गया। फिर 2005 में रूस ने इसमें लगने वाला लोहा जो था उसे देने से इनकार कर दिया। फिर भारत ने स्वदेशी रूप से इसमें बनने वाला लोहा बनाया और तब जाके आज लगभग 2 दशक के बाद यह एयरक्राफ्ट वेरिएंट बनके तैयार हुआ है और इसे फिलहाल नेवी में सौंप दिया जाएगा। भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट करियर है और एयरक्राफ्ट करियर नेवी की इतनी बड़ी ताकत होती है कि इसे चलती फिरती आर्मी कहा जाता है, मतलब इसे मार गिराना बहुत ही मुश्किल होता है। और इंडियन नेवी को आज यानी 2 सितंबर 2022 को एक न्यू फ्लैग मिलने वाला है। किस प्रकार होगा यह फ्लैग इसकी तो कोई अभी जानकारी नहीं है, पर आपको बता दें कि यह बहुत बार फ्लैग बदला गया है। दरअसल पहली बार इंडियन नेवी के फ्लैग को सन 1879 में बदला गया, फिर 1884 में, फिर 1928 में, फिर 1947 में, फिर 1950 में, फिर 2001 में, फिर 2004 में और 2014 में। आपको बता दें कि यह फ्लैग इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह प्रण लिया था, 5 प्रण दिए थे जिनमें से दूसरा प्रण यही था कि हम किसी भी चीज में ब्रिटिश का निशान नहीं रहने देंगे, अर्थात यह नहीं रहने देंगे कि हम ब्रिटिशर के गुलाम हैं। और रूस और इंडिया की डील AU-60 बॉम्बर की नहीं होगी। दरअसल हाल ही में यानी 30 अगस्त के दिन एक एयरफोर्स की मीटिंग थी जिसमें एयरफोर्स के चीफ ने बताया कि अभी फिलहाल AU-60 बॉम्बर खरीदने का भारत का कोई प्लान नहीं है। आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।